सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, राके भी बढ़िया ही रहना। तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेना फ्री फायर से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आप लोग की 100% कन्फर्म नेक्स्ट वेपन रॉयल गन स्किन के बारे में, कि भाई आप लोग को M82B की गन स्किन के बाद कौन सी नई गन स्किन हमारे वेपन रॉयल में देखने को मिलने वाली है। साथ ही गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के इलाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में। इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा हमारे इंडियन सर्वर पर आने वाले कुछ नए इवेंट्स के बारे में, जो कि यार आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट्स मिस करने वाले हो। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई अगर आप लोग को ये वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए फ्री फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करने सबसे पहले अपडेट की, जो कि भाई आप लोग के सामुराई बंडल रिटर्न के लिए निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे थाईलैंड सर्वर पर भी सामुराई बंडल रिटर्न में आ चुका है, जो कि कुछ आप लोग को इस तरीके के इवेंट में देखने को मिलता है। मतलब कि यार यहाँ पे आप लोग को एक लकी स्टोन दिया गया है, तो अगर आप लोग इसमें स्पिन करने से पहले इस लकी स्टोन में डायमंड्स लगाते हो तो भाई आप लोग का लक उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, और जितना ज्यादा आप लोग का लक बढ़ेगा उतने ही आप लोग के सामुराई बंडल के निकलने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। और भाई इस इवेंट में हमारे सामुराई बंडल के साथ ही एओ फार्मर्स का बैकपैक और भी काफी सारे बंडल्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग को हमारा सामुराई बंडल कुछ इस तरीके के इवेंट में रिटर्न में देखने को मिल जाए। बाकी तो आप लोग का सामुराई बंडल हमारे इंडिया सर्वर पर 25 फरवरी को आने वाला था, यानी कि भाई आज आप लोग को देखने को मिलने वाला था। सो हो सकता है आज ही आप लोग हमारे इंडिया सर्वर पर सामुराई बंडल रिटर्न में देखने को मिल गया हो, और अगर भाई देखने को नहीं मिला है तो भाई आप लोग के सामुराई बंडल के रिटर्न की डेट भी पोस्टपोन कर दी गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया जो भी डायमंड्स वाले इवेंट है वो आप लोग के पोस्टपोन किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे फ्री फायर गेम में टॉपअप वगैरह नहीं हो पा रहा, और जबकि फ्री फायर मैक्स वाले बंदे तो टॉपअप कर सकते हैं और भाई सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन भाई ज्यादातर लोग हमारे फ्री फायर गेम ही खेलते हैं। यार अगर सामुराई बंडल हमारे इंडिया सर्वर पर रिटर्न में ग्रेन वाले लेकर आते भी तो भाई उनको बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, या फिर भाई मैं बोलूं बहुत ही ज्यादा लॉस होता, तो इससे वो लोग बहुत ज्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं, इसलिए भाई आप लोग अभी हमारा सामुराई बंडल रिटर्न में नहीं दिया गया। तो जब तक हमारी ग्रेना फ्री फायर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक भाई आप लोग को डायमंड्स वाले इवेंट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, और जहां तक मुझे लिक्स मिल रही है कि भाई आप लोग को 4 या 5 मार्च को हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाएगा, और तभी से आप लोग के रेगुलर इवेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक तो यार हमारे फ्री फायर गेम में कुछ नॉर्मल से इवेंट्स वगैरह चलते रहेंगे। बाकी 28 फरवरी से आप लोग का एसोसिएशन क्रिएट कोलैबोरेशन इवेंट भी स्टार्ट होने वाला है, जिसका ऑफिशियल कैलेंडर मैं आप लोग को पहले की वीडियोस में दिखा चुका हूं। खैर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि भाई आप लोग के एलीट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में निकल कर आ रही है। तो भी जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो कितना ज्यादा ये आप लोगों को ओपी सब बंडल देखने को मिल जाता है, जिसके मैं आप लोग को अलग अलग पार्ट करके दिखा रहा हूं। तो यार मेरे को तो ये वाला बंडल काफी ज्यादा अच्छा लगा है, और भाई सबसे ज्यादा इस बंडल में मेरे को पैंट है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि यार ये वाली पैंट आप लोग को हमारी जर्सियों की तरह देखने को मिल जाती है, जैसे कि भाई आप लोग को हमारी जर्सियों के साथ देखने को मिलती है। तो यार ये वाला बंडल आप लोग हमारे एलीट पास डिस्काउंट इवेंट में देखने को मिलने वाला, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे सर पर ये वाला इलाइट पास डिस्काउंट इवेंट निकल कर आया है चेंज और फेट इवेंट के नाम से। तो यार अभी आप लोग को पता है हमारा फरवरी मंथ तो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इस डिस्काउंट इवेंट के हमारे इंडियन सर पर आने के चांसेस भी बन रहे हैं। बाकी यार सब कुछ हमारे ग्रेन वालों के ऊपर है, क्या हमारे इंडियन सर पर वो डिस्काउंट इवेंट लेकर आते हैं, क्योंकि यार हर बार आप लोग को डिस्काउंट इवेंट दिया जा रहा था, बस ये पहला मंथ होगा जिस बार आप लोग को डिस्काउंट इवेंट देने को नहीं मिलेगा, कि जिस डिस्काउंट इवेंट के हमारे इंडियन सर पर आने की पॉसिबिलिटीज बन रही थी मैंने आप लोग को बता दी। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि भाई आप लोग के अपकमिंग फेडरविल इवेंट के बारे में निकल कर आ रही है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्राजील सर पर एक न्यू फेडरविल इवेंट आ चुका है, इसमें आप लोग हमारे एक ओपी सा मेल का बंडल देखने को मिल जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो। मैं आप लोग को इस बंडल के अलग अलग पार्ट करके भी दिखा रहा हूँ, तो काफी ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन भाई फिर भी ठीक ठाक है, तो हो सकता है कि आप लोग को ये वाला बंडल भी हमारे इंडियन सर पर आने वाले फेडरविल इवेंट में देखने को मिल जाए, जो कि आप लोग को हमारे मार्च मंथ में देखने को मिल सकता है। बाकी यार इन सब इवेंट्स के लिए मैं आप लोग को ज्यादा कुछ कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन इन सब इवेंट्स के हमारे इंडियन सर पर आने की पॉसिबिलिटीज बन रही है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और वैसे भी भाई जो भी आप लोग के डायमंड्स वाले इवेंट है कम से कम इस मंथ में तो आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, फिर भी यार ग्रेना वालों को कोई भी पता नहीं होता, जैसे आप लोग को हैकर स्टोर अचानक से दे दिया वैसे ही भाई इनमें से कोई इवेंट भी आप लोग को अचानक से दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोग की 100% कंफर्म नेक्स्ट वेपन रॉयल गन स्किन के बारे में, और भाई आप लोग के न्यू इमोट के बारे में, जिसका इवेंट भी निकल कर आ चुका है। लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा फ्री फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट की वीडियो मिलती रहेंगे और आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट जरूर से कर लेना। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बांग्लादेश सर्वर पर एक न्यू फेडरविल इवेंट आ चुका है, जिसमें आप लोग को हमारे एक न्यू स्काइटो की स्किन देखने को मिल जाती है, और साथ ही आप लोग को यहाँ पे हमारा एक न्यू इमोट भी देखने को मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सा इमोट दिया गया। मुझे तो भाई बहुत ज्यादा पसंद आया ये वाला इमोट, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी तक हमारे इंडिया सर्वर पर ये वाला इमोट देखने को नहीं मिला है, तो अभी तो मैं आप लोग को ये कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि हमारे इंडिया सर्वर पर ये इमोट कब दिया जाएगा, लेकिन गाइस आप लोग को ये वाला इमोट कुछ इसी तरीके के फेडरविल इवेंट में नजर
आ सकते हैं। और रही बात आप लोग के न्यू स्कॉर्पियो की स्किन की, तो भाई ये वाली स्कॉर्पियो की स्किन आप लोग के होली इवेंट की दी गई है, यानी कि भाई आप लोग को होली इवेंट के चलते ये वाली स्कॉर्पियो की स्किन दी जाएगी। इसलिए कल चाहे से आप लोग को ये वाला इमोट और स्कॉर्पियो की स्किन हमारे होली इवेंट के टाइम देखने को मिल सकती है, जो कि कुछ इसी तरीके के फेयरवेल इवेंट में दी जाएगी। तो दोनों ही चीजें बहुत ही बढ़िया दी गई है, मुझे तो भाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए आप लोग जब भी डायमंड्स वगैरह का टॉपअप होने लग जाए तो अपने डायमंड्स वगैरह पहले से इकट्ठे करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जब हमारे इंडियन सर्वर पर होली इवेंट स्टार्ट होगा तभी भाई आप लोग को ये दोनों चीजें हमारे इंडियन सर्वर पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आप लोग के न्यू बियर्ड के बारे में निकलकर आ रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ब्राजील सर्वर पर हमारी न्यू बियर्ड को क्रेट्स में डाल दिया गया है। और इसी के साथ में आप लोग को यहाँ पे और भी काफी सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे कैप यहाँ पे डाले गए हैं और भी काफी सारे बंडल्स आप लोग को इन क्रेट्स में देखने को मिल जाएंगे। यार मैं आप लोग को ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई आप लोग को ये बियर्ड्स हमारे क्रेट्स में दी जाएंगे, क्योंकि यार बाहर के सर्वर पर तो ये क्रेट्स में डाल दी जाती है, लेकिन यार हमारे इंडियन सर्वर पर आप लोग को ये टॉपअप इवेंट में या फिर किसी और वेब इवेंट में नजर आ सकती है। और इसी साथ में आप लोग को कुछ नए बंडल्स भी नजर आएंगे जो इस भी इवेंट में आप लोग को ये दी जाएगी। और गाइस अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि भाई आप लोग के रिटर्न में आने वाले इनक्यूबेटर बंडल्स के लिए निकलकर आ रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे एक सर्वर पर कुछ इस तरीके के इनक्यूबेटर बंडल रिटर्न में आ चुके हैं, जो कि यार बहुत ही ज्यादा पुराने और रेयर इनक्यूबेटर के बंडल है। तो भाई हो सकता है कि जब भी हमारे इंडियन सर्वर पर कोई भी इनक्यूबेटर के बंडल रिटर्न में लेकर आए जाएंगे तो शायद आप लोग को यही बंडल्स रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं। और भाई बंडल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे दिए गए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने ज्यादा ये ओपी ओपी बंडल्स दिए गए। मेल और फीमेल के सारे बंडल्स मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जो भी हमारे पुराने प्लेयर्स है वो तो इन बंडल्स को अच्छे से जानते होंगे, बाकी यार जो नए प्लेयर्स है उन्होंने शायद से इन बंडल्स को देखा होगा। हो सकता है कि भाई आप में से किसी के पास ये बंडल्स भी हो, बाकी यार मेरे पास तो ये बंडल्स नहीं है, लेकिन ये निकल कर आ रहे थे सो मैंने आप लोग को दिखा दिए। और फाइनली गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग की 100% कंफर्म नेक्स्ट वेपन रॉयल गन स्किन के बारे में। तो भाई जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे काफी सारी गन स्किन आप लोग को हमारी नेक्स्ट वेपन रॉयल के लिए बताई जा रही है। इसमें आप लोगों को कुछ हमारी शॉटगन की स्किन बता रहे हैं, कुछ आप लोग को MP40 की गन स्किन बता रहे हैं, कुछ आप लोग को हमारी UMP की स्किन भी बता रहे हैं। शायद से मैंने भी आप लोग को एक UMP की स्किन दिखाई थी, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया जब भी हमारी गन स्किन वेपन रॉयल में आने वाली होती है, यानी कि भाई जब भी आप लोग का नेक्स्ट वेपन रॉयल आने वाला होता है उससे एक दो दिन पहले आप लोग की नेक्स्ट वेपन रॉयल 100% कंफर्म हो जाती है। और जब हमारी MA2B की गन स्किन वेपन रॉयल में आई थी तब भी मैंने आप लोग को 100% कंफर्म किया था कि भाई आप लोग को हमारी नेक्स्ट वेपन रॉयल में MA2B की गन स्किन देखने को मिलेगी। तो इस बार भी आप लोग की नेक्स्ट वेपन रॉयल 100% कंफर्म हो चुकी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल में कुछ इस तरह की मैटन की गन स्किन देखने को मिलने वाली है। बात करें इस गन स्किन के एट्रीब्यूट के बारे में तो भाई आप लोग को इसमें डबल रेंज और सिंगल एक्यूरेसी प्लस में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग को इसमें रीलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने को मिलने वाली है। और यार शायद से ये वाली गन स्किन आप लोग की फर्स्ट मैकडेन की लेजेंडरी गन स्किन होने वाली है। तो बहुत ही ज्यादा ओपी गन स्किन दी गई और शायद से अभी आप लोग के नेक्स्ट वेपन रोल को आने में लगभग 2 दिन रह चुके हैं। तो आप लोग को ये वाली गन स्किन हमारे नेक्स्ट वेपन रोल में 100% कंफर्म देखने को मिल जाएगी। और जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे जो भी मैं 100% आप लोग को कंफर्म कर देता हूं वो आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि भाई आप लोग के पास कितने कितने हमारे वेपन रोल के वाउचर्स इकट्ठे हैं और भाई कौन कौन इस मैकडेन की गन स्किन को निकालने वाला है। बाकी जो इवेंट्स एंड अपडेट आप लोग के लिए निकल कर आ रहे थे वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप सेट करते हो तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है, आप लोग मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाते हो, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को आप सेट जरूर से करके रखना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज़ एंड अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।